हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का सियार इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास, क्लास नाइन्थ सोशल साइंस इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर पेपर एज अ रिसोर्स, और उसमें हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन, के वो सारी एक्टिविटीज के बारे में मेन और वुमेन के पर्सपेक्टिव से आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सब सारे के सारे बेटा पूरा अपना कंसंट्रेशन देना है। बड़ा ही सिंपल आज का टॉपिक है, कुछ ज्यादा आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंड यू आर द इंटेलिजेंट पीपल। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसा कि नाम से ही पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसके पीछे पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्यों हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी जिसके पीछे पर्पज क्या है, वी वॉन्ट टू अर्न सम मनी। इसमें बेटा हम क्या करते हैं बताइए, किस लिए? ये इसलिए की जाती है टू अर्न सम मनी, कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, कुछ पैसा आ जाए अपने पास। वो सारी एक्टिविटी जिसके पीछे पर्पज क्या है कि कुछ पैसा आ जाए इंडिविजुअल के पास में, वो सारी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से कहते हैं। यानी कि जिसके पीछे पर्पज हमारा है प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कमाना। अब जैसे कि आपके परिवार में भी सब कहीं पर कोई ना कोई कहीं पे बिजनेस करता है, कोई या व्यापार करता है, ट्रेड करता है, तो वो किस लिए करते हैं? ताकि वो जो चीज है, जो आप प्रोडक्शन है, पैदावार है, उसको आप मार्केट में सेल करें, उससे कुछ पैसा मिले। ठीक है ना? या आप कोई जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब समझिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब समझिए, तो किस लिए करते हैं? ताकि वहां से कुछ पैसा मिले। तो वो सारी एक्टिविटी जिसमें पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ पैसा कमाना, वो सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने वाला है। करेक्ट? यहां तक समझ गए? आगे चलें। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इसको दूसरे भी मार्केट एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले या मार्केट एक्टिविटी बोले, पर्पज दोनों का सेम ही है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना, जैसे अगर हम आपके परिवार से कोई भी एक मेंबर, या समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए मदर ही है, वो आपको घर पे बच्चे को पढ़ाती है, जिसके पीछे आपका फ्यूचर का उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो बच्चे है उसको ऐसा एजुकेशन दे ते आगे जाकर बच्चा कुछ बन जाए, आगे जो है हमारे परिवार का सहारा बने, देश की जो GNP है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो, देश की इकोनॉमिक जो कंडीशन, तो बाद में पहले अपने परिवार की जो इकोनॉमिक कंडीशन उससे सुधरेगी, अल्टीमेटली देश का भी जो फायदा होने वाला है। और ओवरऑल जो है पर कैपिटा इनकम, ऐसे अगर सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पर्पज से ही होता है, कुछ आगे जाके उनका फ्यूचर बने और फिर जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, जिससे कि देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो। राइट, तो वो सारी एक्टिविटीज जिसके पीछे पर्पज हमारा ये है, वो जिससे कुछ पैसा कमाए, इनकम हो, वो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आने वाली है। लेकिन अगर इसी तरह का कोई काम तो कर रहे हैं, सपोज करो हमारे परिवार में है, हमारे परिवार में आपकी मम्मी है, आपको घर पे पढ़ाती है, लेकिन उसको पढ़ाने से आपका घर में कोई उस टाइम क्या कोई इनकम हो रहा है, कोई सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं हो रही है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि घर में उसको पढ़ाने, आपको पढ़ाने से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रहा, सिर्फ फ्यूचर के लिए एक असेट बन रही है, क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उस पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में पर्पज क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका फ्यूचर ध्यान में रख के कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक। अगर इसी तरह से पेरेंट्स में से कोई भी जाकर अगर स्कूल में पढ़ाते हैं,
ठीक है ना। तो स्कूल में किस लिए पढ़ाते हैं, टू गेन द सैलरी, सैलरी मिलने वाली है उससे स्कूल में, ठीक है ना। तो वो जो आप घर में काम किया वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, घर में अगर आप परिवार में किसी को पढ़ा रहे हो, और वही आप बाहर जाके स्कूल में, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ाते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमारे घर में, परिवार में कुछ पैसा आ रहा है। इसी तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, घर के अंदर जो कोई भी चीज ऐसा जो पैदावार हो रही है जिसका आप ही घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मार्केट में नहीं जा रही है, उससे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा है, तो वो क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, अनाज हुआ घर खेत में पैदा, उसको लेकर आपने घर में इस्तेमाल कर लेना है, तो ठीक है। अगर आपके पास में इतना ही है तो आपने घर में इस्तेमाल किया तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर इसका दूसरा अगर आप पहलू समझना चाहें, वही अगर आपने सरप्लस जो है ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ या कहीं फैक्ट्री में कुछ काम किया, उसको आप मार्केट में ले जा रहे हो या मार्केट में सेल कर दे रहे हो, तो उससे इनकम मिलने वाली है, तो वही चीज आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया है सब कुछ, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी क्लासिफाई करके देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन जगह डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। बिल्कुल बढ़िया से समझने वाले हो, चिंता की कोई बात नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में क्या पढ़ने वाले हो आप, कि वो सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटी बेटा, वो सभी एक्टिविटी जिसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, कुछ मार्केट में नहीं बन रहा है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं हो रहा है, बस ओनली यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन की बात करें, फिशिंग, फिश का जो रेयरिंग है, फिशिंग, फिश को पालन करना है, वह फॉरेस्ट्री हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको पालना और उनको बेचना का एक्टिविटी हो गया, या फिर पोल्ट्री का हो गया, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन हो गया, सिमिलरली फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, खुदाई का काम जो आप माइनिंग करके, खुदाई करके जो कोल वगैरह प्रोडक्शन हो गया, या फिर आयरन ओर, या फिर स्टील है, या दूसरे मिनरल्स का आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज जिससे आप नेचुरल जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहीं फैक्ट्री तक नहीं लेके जा रहे हो, उसको हमने किसमें कंसीडर करने वाले हैं, दिस आर विल बी कंसीडर्ड एज द प्राइमरी सेक्टर। क्लियर यहां तक समझ में आ गए, आगे चले, प्राइमरी सेक्टर क्लियर, चलो फिर सेकेंडरी सेक्टर में चलते हैं, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी सेक्टर में आपको मिला, सपोज करो हम गेहूं की बात कर लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर से गेहूं लिया, उसके बाद में हमने क्या करना है, उसको फ्लोर मिल पे जाना है, फ्लोर मिल पे जाके उसका आटे का पिसाई हो गया, फिर बेकरी में ले जाके उसका बिस्किट बना दिया, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई ना, वहां पर क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी वैल्यू में एड हो रहा है। आप समझ सकते हो जो गेहूं की कीमत है बिस्किट की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी, ठीक है ना। एक बिस्किट के पैकेट की देखा जाए तो हुआ क्या है, यहाँ पे क्वालिटी जो है वैल्यू एडेड हो गया। आप पहले गेहूं था, अब उसकी पिसाई की, फिर बेकिंग का काम हुआ, फिर उसके अंदर कुछ लेबर वर्क हुआ होगा, मशीनरी का इस्तेमाल हुआ होगा, तो इस तरह से आपका बिस्किट तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि आप इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपने प्राइमरी सेक्टर से आयरन ओर को निकाला, उसके बाद में इंडस्ट्रीज में जाके आयरन ओर से हमने क्या किया, जो फर्नेस होता है ब्लास्टिंग कर उसका जो एक भट्टी समझ लीजिए, उसके अंदर हमने जो आयरन ओर है उसको डाला, कोल का उसमें डाला, कार्बोनेट डाले उसके अंदर, फिर उसको क्या किया, आयरन को सेपरेट कर दिया प्योर, और उसकी इम्प्योरिटीज अलग निकाल दी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो एक तरफ आपके इम्प्योरिटीज निकल गई और एक तरफ आपका मोल्टन आयरन इकट्ठा हो जाता है। फिर उससे हमने क्या किया, एक स्मार्ट सी जो है
आयरन की एक सीट तैयार कर ली या फिर स्टील, अगर आयरन के अंदर जो 70% से ज्यादा आयरन का कंटेंट है, फिर दूसरे कुछ एलिमेंट बनाकर मिलाकर हम स्टील तैयार करते हैं। अब हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज में लाकर उसकी वैल्यू एडिड हो गई, उसकी क्वालिटी बढ़ गई। पहले तो वो आयरन ओर में था तो उसको पहचानना भी बड़ा डिफिकल्ट होता था, अब एक शुद्ध रूप में आयरन हो गया या स्टील तैयार होगी। अब इसी से ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्रीज के जो फैक्ट्री के अंदर जाके आयरन को, जो हमने आयरन ओर से आयरन को तैयार कर लिया, अब इसी से सपोज करो स्टील तैयार किया, उसके बाद में आप जाकर उसका कहीं पे गाड़ी का अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है, व्हीकल बना दिया कोई, ठीक है ना, अब उसका कॉस्ट जो आयरन ओर थी उससे आप देखिए कितना आसमान छू जाएगा, बहुत, क्योंकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ठीक है ना, वैल्यू का एडिशन हो गया, उसमें इनपुट्स लगा है, मनी लगा है, मटेरियल लगा है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोगों ने काम किया है, ठीक है ना, लेबर वर्क है, टेक्नीशियंस है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, तो उसकी वजह से उसका वैल्यू एडिशन होके कॉस्ट बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर हो गया, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी में जो प्राइमरी एक्टिविटी से, प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें हमको मिली उसको हम फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके एक गुड्स तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा सेकेंडरी एक्टिविटीज आ जाएगी। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं लास्ट में टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में, टर्शियरी सेक्टर के बारे में। अब जो प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, आप ये सोच लीजिए, प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी एक, सेकेंडरी दो, टर्शियरी मतलब तृतीय, तीसरा, थर्ड, तो इसके बगैर इन दोनों का सर्वाइवल, इनका ग्रोथ, इनका डेवलपमेंट इम्पॉसिबल सा लगता है। यानी कि जो अब इसमें टर्शियरी सेक्टर में ऐसा क्या है कि इसके बगैर इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, सोचने वाली बात है ना, तो आप जरूर सोच रहे होंगे, चलो बताइए मुझे क्या हो सकता है। टर्शियरी सेक्टर में बेटा वो सारे आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, बैंकिंग मिल जाएंगे, ठीक है ना, सर्विसेज, और सारी सर्विसेज है वो सभी टर्शियरी सेक्टर में आती है, लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आपका यहां पर कोई भी प्राइमरी सेक्टर से आपने आयरन ओर निकाला, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है तो वहीं के वहीं रखा रह जाएगा, तो यू नीड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू इवोकेट द थिंग्स, द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर आपको अगर इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम का एक्सपेंशन करना है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्कर्स को लगाना है और नई मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी लेनी है, और मटेरियल्स आपको रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है, तो यू नीड बैंकिंग, ठीक है ना। बैंकिंग सर्विसेज क्या है, बैंक में आप लोन ले सकते हो, बैंक से पैसा मिल जाएगा, तो फिर आपका काम बढ़ा सकते हो। तो इसमें पूरा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, आपके हेल्थ का भी ध्यान इसी टर्शियरी सेक्टर में रखा जाता है, क्योंकि आप जैसा कि हम मैं लास्ट में टॉपिक खत्म होने के बाद में बात करने वाला हूं, जब तक अगर इंडिविजुअल की हेल्थ ठीक नहीं है तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो सारे सेक्टर, चाहे इंश्योरेंस है, आप सपोज करो यहाँ पे गेहूं की फसल उगाई है, लेकिन जब फसल पकने वाली है उसी टाइम बरसात इतनी ज्यादा हो जाती है या फिर और दून ओलावृष्टि हो जाती है, उसकी वजह से योर क्रॉप्स जो है गोट गेट वेस्टेड, उस टाइम में काफी बर्बाद हो जाती है, तो उसको जो रिप्लेसमेंट, उसके बदले में कंपनसेशन, भरपाई कौन करने वाला है। अगर आपने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया है, उसका बीमा नहीं हुआ है, तो कोई नहीं करने वाला, इंडिविजुअल को उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। वहीं अगर इंश्योरेंस हुआ है, आपकी फसल का, क्रॉप का इंश्योरेंस हुआ है, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दे देगी, भरपाई दे देगी। तो आप सोच सकते हो ये वाला जो सेक्टर है, आपको कम्युनिकेशन का बहुत जरूरत पड़ता है, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया और मोबाइल फोन हो गया, सारे गैजेट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको कोई अपना मार्केट में प्रोडक्शन को लेके जाना है तो आप कई जगह पर कंफर्म करने वाले हो,
कि इसका मार्केट में रेट क्या है, और जहां पे आपको अच्छा रेट मिलने वाला है वहां पे आप सप्लाई करने वाले हो, तो यू कैन कंफर्म इट थ्रू द ईमेल यूजिंग योर कंप्यूटर्स, योर मोबाइल फोन्स और लैंडलाइन फोन्स, उनसे मार्केट के आपको इवन यू कैन कंफर्म द रेट ऑफ आर थिंग इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। ठीक है ना, दूसरे देश में किसी पार्टिकुलर, मान लो आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, लेकिन आपके यहाँ पर उसकी कीमत कम है, या फिर आपको सोचो कि रॉ मेटेरियल मंगाना है, चार पांच देश में है, ताइवान में वो होता है, चाइना में होती है, जापान में होता है उसका प्रोडक्शन, रॉ मेटेरियल वहां से मिलता है, तो यू कैन कन्फर्म टेलीफोनिकली फ्रॉम दीज कंट्रीज के जहां से आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉस्ट कम होगा, वहां से आप मंगाएंगे। तो ये आपको कम्युनिकेशन का फायदा मिल रहा है, बैंकिंग का है, एजुकेशन आपको पता ही है, जो स्किल है, ट्रेनिंग है, वो इंसान को ट्रेन कर देती है किसी पार्टिकुलर प्रोफेशन में। तो अब आप ये पूरा टूरिज्म इंडस्ट्रीज अपने आप में एक जगह से दूसरी जगह घूमना है, ये भी एक टर्शियरी सेक्टर का एक पार्ट हो गया है, टूरिज्म में भी काफी स्कोप फ्यूचर्स के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जैसे कि आप हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बात किया था, वो किया था कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे, कब तब्दील हो जाता है, कैसे शिफ्ट हो जाता है। तो हमने बात की थी स्किल्स की, ट्रेनिंग की, एजुकेशन की, हेल्थ की, है ना, टेक्नोलॉजी की, ये सब बात की थी। लेकिन आप ये बताइए, कौन अपने कौन पेरेंट्स ऐसा होगा जो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं देना चाहता, या फिर उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखने वाला, या फिर उसको न्यूट्रिशियस वैल्यू एडेड फूड नहीं देना चाहता, या उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा, उसके एजुकेशन, उसको स्किल्स, एवरीबॉडी वांट टू गिव एज बेटर एज दे कैन टू देयर चिल्ड्रन। तो अब क्योंकि वो डिसएडवांटेजेस पीपल है, उनको इतना जो उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सब नहीं कर पाते, अदरवाइज जो कैपेबल है वो अपने बच्चे को एजुकेशन भी देते हैं और दूसरे भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और सारी फैसिलिटीज भी, हेल्थ का भी ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशियस फूड भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं जिनको ये सारी फैसिलिटीज मिलते हैं वो सब क्या करते हैं, जो देश है उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड हो गए, वो ट्रेंड हो गए, और वो एक देश के लिए एसेट काम करते हैं, देश को डेवलप करने के लिए, देश की जीएनपी बढ़ाने में, जीडीपी को बढ़ाने में वो मदद करते हैं। इसके अपोजिट में जो लोग नहीं एजुकेशन कर पाते वो उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता। अब हम बात करते हैं जापान की, बात करते हैं जापान, देखिए अगर देखा जाए तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस ना के बराबर है, फिर भी इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, और हमारा क्या है, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। कैसा हुआ, क्योंकि बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ऑन द पीपल, उनके जो वहां के लोग हैं, दे हैव द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एजुकेशन टू देम, दे टेक केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर पर्सनल्स, जो वहां के लोग हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और फिर दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, स्किल ट्रेनिंग है, उनको अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारे के साम काम करने की वजह से टुडे यू आर एबल टू सी द जापान एज ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है ना, तो आप समझ गए हो, अगर देश के अंदर रिसोर्सेस नहीं होने से भी अगर वहां की जो पीपल हैं, वहां के जो लोग हैं एडुकेटेड है, ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, हेल्थ उनका ठीक है, तो वो देश डेवलप हो सकता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सकती है। क्लियर, सब समझ में आ गया, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी सेक्टर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय,